दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब अमेजोन के सेलर पैनल से जब आपको कोई मेल रिसीव होती है और मेल भी आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड जो होती है वो डेंजरस गुड्स, और उसमें आपको जो ये मेल इस तरह से रिसीव होती है, डेंजरस गुड्स एज मेट स्टेटस अपडेट, यानी कि आपने जो लिस्टिंग कर रखी है अमेजोन पे, उन पे जो है कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन को टीम को लग रहा है कि वो डेंजरस कैटेगरी के हैं, तो आपको क्या करना होता है कि उस जो प्रोडक्ट है आपका, जो भी आपका ASIN नंबर है वो आपको इस मेल के अंदर रिसीव होता है, और रेस में मतलब मेल के अंदर वो ASIN नंबर आपको इसमें दिया जाता है, और साथ ही आपको अमेजोन की सेलर टीम को ये क्लेरिफाई करना होता है कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी का नहीं है। अगर इस कैटेगरी का होता है तो भी आपको उसको डिफाइन करना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ये डेंजरस कैटेगरी का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे ऐसे चार जो प्रोडक्ट थे जो कि अमेजोन की टीम को लगा कि ये जो है डेंजरस कैटेगरी के हैं। तो जब ये इस तरह से मेल आपको रिसीव होती है तो जब मेल का जो सब्जेक्ट आप देखेंगे डेंजरस गुड्स और यहाँ पे हैजमेट स्टेटस अपडेट, यानी कि आपको जो इस तरह से जो है ये मेल आपको रिसीव हो जाती है अमेजोन की ओर से, और इसमें आप देखेंगे ASIN नंबर दिया जाता है और ASIN नंबर आपकी लिस्टिंग का होता है, तो इस तरह की जो लिस्टिंग होती है इसको आपको अमेजोन की सेलर टीम को जो है क्लेरिफिकेशन देना होता है कि आपने जो ये ASIN नंबर या जो प्रोडक्ट लिस्ट किया है ये डेंजरस कैटेगरी का है या नहीं है। अगर होता है तो ये भी आपको उसके अंदर डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के साथ ही जो ये प्रोडक्ट आपके जितने भी होते हैं जो डेंजरस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो वो क्या होता है कि अमेजोन ऐसे प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस के अंदर अलग से जो है इनकी कैटेगरी डिफाइन की जाती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे जो कैटलॉग होते हैं या जो भी ऐसे ऑर्डर होते हैं इनको ये अलग से वेयर हाउस में रखा जाता है, ताकि किसी भी दूसरे जो होती है कि जो डेंजरस जो कैटेगरी के होते हैं इनका थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज से जो है इनको अलग रखा जाता है बाकी के प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर ये ASIN नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये ASIN मैंने कॉपी किया और अमेजोन के सेलर पैनल पे आके आपको यहाँ पे इन्वेंट्री पे जाना है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, और यहाँ पर आपको वो ASIN नंबर जो आपने कॉपी पेस्ट मैंने किया है यहाँ पे, और मैं सर्च करता हूँ, तो सर्च करने पर आप देखेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट था तो ये अमेजोन की सेलर टीम को लग रहा है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है डेंजरस कैटेगरी का हो सकता है, जबकि आप देखेंगे ये नेपकिन है यानी कि किचन क्लोथ के पेपर है जो कि नॉर्मली जो होता है किसी भी तरह का ये डेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, बट लेकिन अमेजोन की टीम को ये लग रहा है कि इस तरह के जो ये हो सकता है कि जो डेंजरस कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं उसके अंदर मोस्टली क्या होता है केमिकल होता है, केमिकल के साथ में जिसमें बैटरी इंक्लूड होती है या कोई इस तरह से जो लाइटर होते हैं जिसके अंदर की जो ज़्यादा ही मतलब जो इतने होते हैं कि ये जिसके रखने से या जिसके डैमेज होने के जो चांसेस होते हैं या ब्लास्ट होने के जिसमें चांसेस होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को जिनके अंदर की बैटरीज का यूज़ होता है तो वो थोड़े डेंजर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो लेकिन मेरा एक लिस्टिंग आप देखेंगे ये वाली है, अब इस तरह से बाकी की और भी इसमें अब मैं दिखा देता हूँ मेल के अंदर और भी मेरी जो लिस्टिंग है ये इस तरह से, ये सेकंड वाली भी है इस तरह से, मल्टीपल जब आपके इस तरह से जो ASIN नंबर होते हैं तो उनकी जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, और इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा ऐसा मेरा प्रोडक्ट था वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ASIN नंबर मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैंने किया और यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च, तो सेकंड नंबर पे आप देखेंगे इस तरह का एक मेरा जो स्टेनलेस स्टील का जो है ये लंच बॉक्स है जो कि अमेजोन की सेलर टीम को ये लग रहा है कि ये भी डेंजरस कैटेगरी का है। तो ये जो इस तरह से मेल आपको रिसीव हो जाती है, तो मेल रिसीव होने के बाद में आपको क्या करना होता है कि अमेजोन की जो सेलर टीम है उसको आपको ये देना डिक्लेयर करना होता है कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये डेंजर कैटेगरी का नहीं है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको अभी इसी के अंदर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले आपको सारे प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मेरे प्रोडक्ट हैं। ये देखिए ये जो होते हैं ग्लास एंड कप के जो टोस्टर होते हैं ये भी अमेजोन की टीम को लग रहा है कि ये जो थोड़ा सा डेंजरस या हार्मफुल प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं अब इसमें आपको डिक्लेरेशन देना होता है, और डिक्लेरेशन देने पर आपको करेक्ट यानी कि जो भी आपके प्रोडक्ट है वो इस डेंजर कैटेगरी के नहीं है। मैं आपको जो मेरे चार प्रोडक्ट हैं चारों में आपको दिखा देता हूँ। एक ये देखिए विंटेज की जो है डस्टबिन है जो कि स्टेनलेस स्टील की होती है इस तरह से है, इसको भी अमेजोन ने जो है डेंजर कैटेगरी के अंदर रखा है कि ये प्रोडक्ट आपका जो है डेंजर कैटेगरी के अंदर है। तो जब इस तरह की मेल आपको आ जाती है और यहाँ पे एजमेट जो होता है यानी कि खतरनाक इसका मतलब निकलता है, ये ब्रैकेट में जो आप देखते हैं इसका मतलब होता है कि जो कोई डेंजरस जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, तो ये चीज़ आपको अमेजोन को इसकी क्लेरिफिकेशन देनी होती है।
तो अब आपको इसका सॉल्यूशन क्या करना है, जब आप अमेजोन के सेलर पैनल पे आ जाते हैं तो सेलर पैनल पे यहाँ पे सबसे टॉप में जो सर्च का ऑप्शन होता है आप देखेंगे सर्च का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपको मेल रिसीव हो रही है, मेल के अंदर जो टाइटल आपको दिया गया है यहाँ पे एजमेट, यानी कि ये वाला टाइटल आपको उसमें कॉपी पेस्ट करना है, यानी कॉपी पेस्ट नहीं आपको टाइप करना है अमेजोन के सेलर पैनल पे। तो यहाँ पे आपको जो सर्च है इसमें टाइप करना है HAZAMAT हजमेट, यानी कि एजमेट रिव्यू। HAZAMAT तो जैसे ही आप यहाँ पे एजमेट रिव्यू पे क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पॉपअप आ जाता है और इसमें जो फर्स्ट नंबर का ही ऑप्शन है यहाँ पे डेंजरस गुड्स जो होता है इसमें एजमेट रिव्यू प्रोसेस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही आप इसमें देखेंगे कि इसमें अपलोड जो होता है SDS और इंजेक्शन सीट्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पे अपलोड जो होता है डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो अब आपको अपलोड क्या करना है वो चीज़ भी आप देखिए, जब इस तरह का ये ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या करना है, जब आप यहाँ पे देखेंगे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए सेकेंड नंबर का यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट और सेकेंड दो चीज़ यहाँ पर दी गई है कि एग्जेम्पशन सीट जो होती है बैटरी एंड बैटरी पावर्ड प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा होता है जो बैटरी से ऑपरेट होता है, यानी कि कोई लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या इसके अलावा कोई दूसरे जो रिमोट कंट्रोल वाले आपके टॉयज़ होते हैं, अगर वो हैं तो आपको फर्स्ट नंबर की सीट ये सेलेक्ट करनी है, अगर वो नहीं है तो आपको ये सेकेंड नंबर का जो है प्रोडक्ट आपका ये पे सेलेक्ट करना है कि जो मेरी जो ये प्रोडक्ट है ये विदाउट हार्मफुल केमिकल्स, यानी कि किसी भी तरह के कोई भी हार्मफुल नहीं है और इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो ये वाला आपको क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल की सीट डाउनलोड हो जाएगी। आप देखेंगे सेकंड नंबर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाली जो सीट है, यानी कि अभी आप देखेंगे एक्सेल की ये सीट है ये डाउनलोड हो गई। जब मैं इस सीट को ओपन करता हूँ तो ओपन करने पर आप देखेंगे कि इसके अंदर वो प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट दी गई है। यहाँ पर मैं इनेबल एडिटिंग कर देता हूँ और अब इसमें दो सीट आपको देखने को मिलती है। एक सीट के अंदर आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस है ये कि अमेजोन की यहाँ पे दिया, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो इसमें रेड कलर के जो हैं यानी कि इसमें वार्निंग दिए गए हैं और ब्लैक कलर के जो हैं यहाँ पे पॉपअप पूरी दी गई है, इसमें आपको येस और नो का जो ऑप्शन दिया गया है कि यानी एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट है या फ्लॉमेबल है, ऑक्सीडाइज है, या मतलब कोई भी अलग अलग तरह के जो आपके इसमें ये जो कैटेगरी दी हुई है, तो इस तरह से एग्जांपल भी यहाँ दिया गया है कि अगर कोई ये डेंजरस होता है या हार्मफुल प्रोडक्ट होता है तो आपको अपनी ASI नंबर यहाँ पर लगा के यस आपको क्लिक करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस है यानी आपको समझाने के लिए पूरी सीट दी गई है और अब इसमें आ जाता है नो हार्मफुल केमिकल, आपको इस पर आना है और आने के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पूरी अलग से पूरी सीट दी गई है, अब इसमें जो प्रोडक्ट का नेम है, नेम के साथ में इमेज है, ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ तो जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं यानी जो भी आपके प्रोडक्ट हैं सब पे आपको नो कर देना है। जैसे आप नो करोगे तो यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा और यहाँ पर ब्लैक यानी कि ये आपका जो प्रोडक्ट है एक्सप्लोजिव, फ्लामेबल या ऑक्सीडाइजर जो है या गैस में जो होता है कि गैस अंडर प्रेशर या जो भी इसमें अलग अलग कैटेगरीज इसमें दी गई है, तो आपको सब में से अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर हार्मफुल होता है या फ्लामेबल होता है या इसमें जो गैस का अंडर प्रेशर का होता है तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देनी होती है। लेकिन मेरे यहाँ पर मैं देखता हूँ कोई सा भी मेरा जो प्रोडक्ट है किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल नहीं है, तो मैं सभी के अंदर यहाँ पर नो कर रहा हूँ। मेरे को जो है सब में आपको ये पॉपअप दिया जाता है, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर आपको सबके अंदर नो नो सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई सी भी ऐसी लिस्टिंग जो कि हार्मफुल नहीं है तो मैंने यहाँ पे सब पे नो कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि ASIN नंबर यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वन बाय वन करके अगर आपका मल्टीपल लिस्टिंग होती है यानी ASIN होता है तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है। ये मैंने ASIN यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, ये वाली जो चीज़ है सेकंड नंबर ये भी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट के जितने ASIN नेम थे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ गया
और अब इसमें जो होती है कि ये बाकी आप ASIN नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, और एंटर करने के साथ ही अब आपको इसको सेव कर दें, और सेव करके बाकी की एंट्रीज को मैं इसमें फिलअप नहीं कर रहा हूँ और मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। तो फाइल मैंने इसको सेव कर दिया, फाइल में दोबारा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने डाटा इसके अंदर सेव किया। आप देखेंगे मैंने नो नो कर दिया और ये मेरी जितनी ASIN नंबर है वो सारी सब इसमें सेव है। तो अब मैं वो वापस आ जाता हूँ अपने अमेज़ॉन के सेलर पैनल पे, और यहाँ पर होता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर चूज़ फाइल्स, क्योंकि मेरी मल्टीपल फाइल्स इसमें हैं, मतलब ASIN थे, तो डाउनलोड के अंदर जाके ये वाली एक्सेल शीट थी, मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के साथ मैं इसे कर देता हूँ अपलोड। अब इसमें से क्या होता है, आप जैसे इसको अपलोड कर देंगे, अब ASIN नंबर जो होता है यहाँ पर, आप अभी मेरी फाइल अपलोड नहीं हुई है, मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको अपलोड। और यहाँ पर आप कोई सा भी ASIN नंबर, जैसे मल्टीपल मैंने स्टार्टिंग का जो है ये ASIN नंबर यहीं पे मैंने जो है कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया, तो एक ASIN मैंने यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट कर दिया, बाकी के मैंने जो अपनी जो सीट थी उसके अंदर मैंने सारे ASIN नंबर जो है वो सब अपलोड कर दिए। अब अपलोड करने के बाद में क्या होगा कि जो आपने डिक्लेरेशन दी है, यानी कि आपने जो कोई जितने कैटलॉग आपने इसमें अमेज़ोन की तरफ से मेल आपको रिसीव होती है, तो रिसीव होने के बाद में आपने सारे ASIN नंबर आपने यहाँ पर एंटर किए हैं, और एंटर करने पर आपकी तरफ से जो डिक्लेरेशन गई है, डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर जो नो नो जितने भी किए हैं, यानी कि मैंने अभी यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शन नो, यानी कि मेरा ये प्रोडक्ट है किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, और किसी भी ह्यूमन बॉडी को या किसी भी तरह का कोई भी डेंजरस जो प्रोडक्ट नहीं है, ये ASIN नंबर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, बाकी की एंट्रीज मैंने इसमें नहीं की है। तो अमेज़ॉन के पास ये रिकॉर्ड चला जाता है, और जाने के बाद में ये जो आपके जितने प्रोडक्ट होते हैं, अभी तो आप देखेंगे कि अभी ये अंडर प्रोसेस है, और जैसे ही अमेज़ॉन की टीम इसको वेरीफाई कर देगी, तो ये इस तरह से जो होता है कि आपका जो है अभी अंडर रिव्यू है ये वाला, तो ये विद इन 24 आवर्स के अंदर ये प्रोडक्ट जो है मेरे सारे के सारे इस कैटेगरी से रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने के बाद में जो है ये प्रोडक्ट कंटिन्यू अमेज़ॉन पे लाइव रहेंगे। तो दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस था, यानी कि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट अगर लिस्ट करते हैं, तो वो अगर डेंजरस कैटेगरी का होता है या एजमेट कैटेगरी का अंदर आता है, तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट की या कैटेगरी की जो होती है अमेज़ॉन को इसमें आपको पहले से ही एक डिक्लेरेशन देनी होती है। डिक्लेरेशन देने का प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट है जो भी आप अगर आपका डेंजरस कैटेगरी का आता है, तो उस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन आप अमेज़ॉन को या अमेज़ॉन की जो सेलर टीम है उसको टाइम टू टाइम, यानी कि जैसे ही अगर कोई भी आपका डेंजर लेवल का प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको नॉर्मल कैटेगरी के अंदर रखा है, अमेज़ॉन को उसका डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो इस केस में आपका सेलर अकाउंट सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है अमेज़ॉन की सेलर टीम की ओर से। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइन होती है दोस्तों कि इसको आपको फॉलो करके आप अपना अमेज़ॉन का जो सेलर अकाउंट है उसे आप कंटिन्यू मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप देखेंगे कि मेरे सेलर पैनल पे जो है अभी भी एक यहाँ पे एट रिस्क जो होता है अकाउंट हेल्थ के अंदर ये शो कर रहा है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि मेरा एक ऑर्डर जो था वो लेट डिस्पेस हुआ था, इस वजह से ये अभी इसमें जो है परफॉर्मेंस अगर मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट हेल्थ के अंदर, तो ये 10 दिन का टाइम पीरियड था, अब 10 दिन से टाइम पीरियड बढ़ के यहाँ पे हो गया 30 दिन का। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब मेरे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे 53 हो गए, उसमें से एक ऑर्डर मेरा लेट डिस्पेच हुआ था। तो अब यहाँ पे आप परसेंटेज का जो टारगेट आप देखेंगे कि 2% का होता है, लेकिन मेरे यहाँ पे 1.89% हो रहा है, जो कि 2% से हालांकि कम है। तो इस तरह से जो होती है कि टाइम टू टाइम, बस कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है, तो वो थोड़ा सा आप उसको डिले ना करें, और जितने भी ऑर्डर हैं आपके अमेज़ॉन पे अगर आते हैं उसको आपको कैंसिल करना होता है, तो कैंसिल भी जहाँ तक उसके ना करें, लेकिन जो होता है कि लेट डिस्पेच आप ना करें। अगर लेट डिस्पेच करते हैं या इस तरह से जो डेंजरस कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं उनका डिक्लेरेशन अगर आप अमेज़ॉन को नहीं देते हैं टाइम टू टाइम, तो आपका अकाउंट जो है हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इसके साथ ही अकाउंट भी आपका सस्पेंड हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।